डैश बाबा, हमारे पास एक फेसबुक एप्लीकेशन है। इसको हम फेसबुक के प्लेटफॉर्म से ही रन आउट करते हैं। मिठाई शॉप की एप्लीकेशन जो है, ये गिफ्ट सेंडिंग के तौर पर हमारा एक काम कर रही है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल गिफ्ट्स हम अपलोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास इस मिठाई शॉप के अंदर हमने मिठाई शॉप तीसरे मिठाई के ही गिफ्ट को फोकस किया हुआ है, लेकिन हम इसको इस एप्लीकेशन को ऐसे सिंपल गिफ्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और अदर एक्टिविटीज़ के अंदर भी हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को या इसकी जो जो फ्रेमवर्क इसमें मैंने काम किया हुआ है। इसके अंदर जो कलेक्शन क्या है हमारे पास, कि मैं ये तमाम वीडियोज़ जो पिक्चर्स हमें नज़र आ रही हैं, ये अभी फिलहाल हमारे पास मैनुअली हमें अपलोड करनी होती हैं, और मैनुअली हम अपलोड कर देते हैं अपनी साइट के ऊपर, और ये जो है पिक्चर यहाँ से फिर हमें रिसीव होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अंदर जो है हमारे पास ये नेक्स्ट प्रीवियस करके हम अपनी मल्टीपल जो पिक्चर्स हमने अपलोड की हुई हैं, जिनको हम मिठाई शॉप के तौर पर गिफ्ट के तौर पर सेंड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सेकंड पार्ट इनके रिसेप्शन का है हमारे पास, जिसको मैं सेंडिंग, इनके मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैंने ऐड किए हुए हैं, इनको हम अपनी कोई भी सिलेक्टेड जो टॉप पे मैंने की है इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके मिठाई सेंड कर सकते हैं। ये है हमारे पास, ये जो फ्रेंड की लिस्ट वापस आ रही है, ये फ्रेंड लिस्ट पे डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर रहे, बल्कि ये वापस जो है स्टोर्ड हो रहे हैं हमारे अपने सर्वर के ऊपर, और फिर हम वहाँ से हम सर्च करके और सेंड कर देते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको हम आपके फ्रेंड को जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपना कस्टमाइज मैसेज टाइप करते हैं, जिसपे यूज़र जो है, जो आपके लॉग आपके यूज़र की जो है वॉल पे नज़र आएगा मैसेज जो भी आप उसको सेंड करना चाहें। तो यहाँ से हम सिंपल आपने एक पिक जो है जिसको भी आप कोई मिठाई देने चाह रहे हैं सेलेक्ट कर लेते हैं, वो जो मिठाई आप सेलेक्ट करते हैं वो उसका एक प्रीव्यू नीचे आ रहा होता है कि आपकी सिलेक्टेड मिठाई कौन सी जो सेंड हो रही है आपके इस फ्रेंड को, जो फ्रेंड आप सेलेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज मुझे इनको सेंड करनी है, और यहाँ पे हम इसे टेस्ट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक मैसेज टाइप करके इन्हें मिठाई सेंड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास अवेलेबल है इसका, है कि जब आप यूज़र हमारा फर्स्ट टाइम इस पर आएगा तो उसको ऑटोमेटिक हम निगेट कर देते हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि जी आपका जो ऑटो सेंडर वो ऑन है, डिफॉल्ट ऑन होता है हमारे पास। हम चाहें तो उसको ऑटो सेंडर को यहाँ से ऑफ करवा सकते हैं, अगर यूज़र की अपनी मर्ज़ी कि वो अपनी फ्रेंड्स को ऑटोमेटिक मिठाई सेंड नहीं करना चाह रहा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज़र को जो है ऑटो सेंडर पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आके यूज़र को डिफाइन कर देते हैं कि जी हमारा ऑटो सेंडर नहीं चाहिए, तो हम इसे यहाँ से डिसेबल कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा सेंडर जो है वो काम नहीं करेगा। अगर मुझे यूज़र को जो है वापस अगेन सेट करना है, तो अगेन वो यहाँ पर आएगा और इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। ओके ओके, वापस आए थे मिठाई शॉप पर, मिठाई सेंटर पर, और देखिए मेरे पास जो है वो ऑटो सेंडर ऑफ आ रहा है। तो मुझे अगर दोबारा इस ऑटो सेंडर को ऑन करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑफ ऑन पे भी क्लिक करके जा सकता हूँ, टॉप ऑटो सेंडर पे भी क्लिक करके जा सकता हूँ। यहाँ से मैं इसे ऑन कर दूँगा, डिफ़ॉल्ट मैसेज डिफाइन, यहाँ पे हमको भी जो मैसेज टाइप करना चाहें वो यहाँ पे आप टाइप करके उसको सेव कर दें। ये मैसेज वेरिएबल्स हैं, इनके सपोर्टिंग वेरिएबल्स हैं कि अगर आपको एक प्रॉपर मैसेज जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के नाम को इंक्लूड करना चाहते हैं स्टार्टिंग में आपके मैसेज के, इन बिटवीन आपके मैसेज के, तो आप अपने इन टैग्स को यूज़ करते हुए, इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए वो मैसेज कंप्लीट कर सकते हैं। और जो ऑटोमेटिक सेंडिंग होगी जब जिसकी बर्थडे आती है, उसको ये वाली गिफ्ट आप सेंड करना चाह रहे हैं, वो आप मिठाई यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पे उन्हें सेव मार्क कर दें, सेव हो जाएगी यहाँ पास, ठीक है, वापस अगेन वापस ऑन हो गया। तो ये एक जनरल छोटा सा ओवरव्यू हमारी इस एप्लीकेशन का, जो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे चल रही है, और इसके अंदर जो हमने काम किया है वो HTML लैंग्वेज मैंने यूज़ की है इसके अंदर, एक फेसबुक की अपनी एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिससे हमारी HTML लैंग्वेज होती है, इससे हमने इसकी फेसबुक की अपनी मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ किया है। फेसबुक की एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं कि हम आई फ्रेम स्टेडिटी भी यूज़ कर सकते हैं और HTML यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी चॉइस ये कि मैं HTML यूज़ करूँ। तो इसके अंदर हमने जो एक फीमेल सेंटर को फॉलो करते हुए इसके ऊपर काम किया। हमारे पास ये है कि फेसबुक की जो हमारी मिठाई शॉप एप्लीकेशन है, इस पे अगर कोई हमें एरर एड अप होता है या हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम फिक्स कैसे करते हैं। इसमें जो मिठाई शॉप है, इसको मैंने कोऑर्डिनेटर के ऊपर, इनके MVC स्ट्रक्चर के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है।
तो इसमें एरर चांसेस बहुत कम है। मेरी कोशिश यही थी कि इसको मैं एरर फ्री करूं, बट अगर कोई इन केस कोई ऐसा न्यू फीचर या कोई मॉडिफिकेशंस फेसबुक अपनी APIs में करता है तो ज़ाहिर है उसके ऊपर कोई एरर्स आएंगे। तो उसको हम इस तरह कर सकते हैं कि ये जो अगर इस पर कोई एरर आता है तो ये ऑटोमेटिक जो फ्रेमवर्क है वो आपको मैंशन कर देगा एरर और उसका रीज़न क्या है और उसकी जो है किस फाइल के ऊपर वो एरर आया है, तो वहाँ से हम उसको ज़्यादा जनरली रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड, हमारे पास क्लोने डॉट कॉम हमारी जो साइट है उसको हम मिठाई शॉप के लिए किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं, या कि उसके CRM को हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपनी मिठाई शॉप फेसबुक की एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्लोने जो हमारी साइट है, क्लोने डॉट कॉम जो साइट, इसमें जो है यहाँ पर एक हमारा डोमेन अवेलेबल है जिसका लोकल न्यू होस्ट हुआ है, इस पर हम अपनी साइट को पुट अप कर देते हैं। मिठाई शॉप की जो भी मैं एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो हमारे कोड्स होते हैं वो हमारे मेन सर्वर पे सेव होते हैं, और फेसबुक का जो इंटरफेस है वो मिठाई शॉप का जो इंटरफेस होता है ये सारा हमारा जो है वो गेट का इंफॉर्मेशन जो गेट कर होता है हमारे वो इस प्लेटफॉर्म से कर होता है हमारे इस डोमेन से। एक्चुअल जो भी हम ये इस वक्त अपनी मिठाई शॉप की जो फेसबुक एप्लीकेशन देख रहे हैं इसके कोई भी कंटेंट फिजिकली फेसबुक के ऊपर नहीं है। जो फेसबुक का जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये जो इन्वायरमेंट हम चेक कर रहे हैं ये इन्वायरमेंट जस्ट फॉर हम प्लेस यूज़ कर रहे हैं अपनी साइट को डिस्प्ले करने के लिए। तो मैक्सिमम जो हमारा काम है वो सारा जो हमारा खिलौने की साइट के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट खिलौने डॉट कॉम स्लैश मिठाई शॉप अगर टाइप करके एंटर कर देता हूँ तो मेरी मिठाई जो है शॉप जो है वो ऑन हो जाएगी यहाँ पर। बट क्योंकि मैंने फेसबुक की एप्लीकेशन से इंटीग्रेट किया हुआ है इसे, तो ये ऑटोमेटिक जंप अप कर जाता है कहाँ पर, आपकी फेसबुक की एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसलिए जो है क्योंकि जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होता है कॉमन सर्वर का वो HTML वाला यूज़ कर रहा होता है, और मैंने इसके ऊपर क्योंकि HTML यूज़ की है जो पावरफुल और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, इसलिए ये जो हमारे नॉर्मल सर्वर पे रन नहीं कर सकती क्योंकि इसे वो तमाम टैग्स या इन्फॉर्मेशन जो है वो फेसबुक के सर्वर से मिल रही होती हैं। तो अब अगर मैं इसका अपने मेन सर्वर से डायरेक्ट रन करने की कोशिश करूँगा तो ये लूप में रहेगा और नॉर्मली साइड हमारी रन नहीं होगी। तो इसका एक्चुअल जो पर्पज़ ये जो है वो ये कि हमारी जो मेन साइट है वो होस्ट हुई हुई है हमारे खिलौने डॉट कॉम के ऊपर, एक फोल्डर भी आप कह सकते हैं, आप उसे रूट पे भी रख सकते हैं, और उसका जो लिंक है इनके URL जो है वो इंटीग्रेट हुआ है हमारी फेसबुक की एप्लीकेशन के ऊपर। अब जो भी हम यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे होते हैं एक्चुअली हमारे सर्वर पे हो रही है, बट वो डिस्प्ले जो है वो आपके फेसबुक के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए डिस्प्ले कर रहा है, सारी चीज़ों को गेट कर रहा है आपके सर्वर से और डिस्प्ले कर रहा है आपकी फेसबुक की इन्वायरमेंट के अंदर।